चलो भाई, अब मिलते हैं आपको 3-4 दिन के बाद। अच्छे से इंजॉय करने जा रहा हूँ, और मैंने अपनी फैमिली को यूट्यूब फैमिली को पहले ही लास्ट ब्लॉग में बता दिया कि अपन में व्लॉगिंग करेगा, वहाँ जाके रिलैक्स करने के लिए जा रहा हूँ सिर्फ। तो आपको भी 2-3 दिन के बाद मिलता हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। तो चल पड़े हैं हम। फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच चुका हूं जहां मैं जाने के लिए निकला था, और अब मैं देता हूं रूम टूर। और वैसे अगर मैं रूम टूर देना चाहूं तो सिर्फ एक वाइड एंगल लगा के रूम टूर ऐसे ख़त्म कर सकता हूं, पर नहीं, एक सच्चे यूट्यूबर होने के नाते चाहे सुबह के 4:30 क्यों ना बज रहे हो, आंखों में नींद क्यों ना भरी हो, अपना कॉन्टेंट ज़रूर देखना है। और ये पेंटिंग लगी है चाची की, बाहर है बालकनी जहाँ खड़ के आप लोगों को देखो, लड़कियाँ छेड़ो, वो आपके सिर दर्दी है। और ये रहा मैं, बहुत नींद भरी हुई आँखों में भाई, बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई है, पर खुश भी हो आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, 1 महीने के बाद। तो फिलहाल तो मैं सोता हूँ, आपसे मिलूँगा उठ के। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, 3 घंटे की नींद तो पूरी करके मैं उठ चुका हूँ, और अभी भी नींद आ रही है, पर जिस काम के लिए मैं आया हूँ मेन, वो काम करने जाना है। तो वो सबसे पहले तो नीचे जाऊँगा, चाय पी के आता हूँ, और फिर देखते हैं क्या करना है, नहाता हूँ और फिर रेडी होता हूँ, क्योंकि अब आया हूँ तो सो के क्या करूँगा, तो पहले चाय पी के आता हूँ। हाथ धोके तो हो चुका हूँ मैं रेडी, और बस निकलने लगा हूँ जिस काम से मैं आया हूँ, तो वो फटाफट से काम करके आता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे, तो फिर मिलता हूँ आपसे आके। वहाँ पर तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, तो अभी तो यहाँ से चलता हूँ। मैं रूम पे जाके सो गया था थोड़ी देर के लिए, अब निकला हूँ, यहाँ पर मोमोज वगैरह खाऊँगा, और स्नैक्स में क्या ही ऑप्शन है बेस्ट, अभी तो मोमोज वगैरह खाता हूँ, फिर डिनर की बाद में देखूँगा। क्या मस्त लग रहे हैं ना दिखने में, और रेट भी कम है हमारे वहाँ के मुकाबले, और दिखने में भी स्वाद लग रहे हैं। जितने दिखने में टेम्पटिंग लग रहे थे उतने ही ज़्यादा स्वाद थे। ग्रेवी बहुत अच्छी बनाई थी और स्पाइसी थी। तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं दोबारा रूम में और डिनर करने उतरेंगे। डिनर डुनर करने का तो स्पेसिफिक कोई मन कर नहीं रहा है मेरा, तो स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, और चलते हैं पानी की बॉटल वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि रूम सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, तो बाहर से लेके आते हैं। तो रूम में तो आ गया हूँ मैं पानी वगैरह लेके और कुछ स्नैक्स वगैरह लेके, क्योंकि आदत हो गया अब रात को उठ के भूख लगती लगती है 2-2:30 बजे, तो शायद यहाँ पर भी लग जाए, तो फिर कहाँ जाऊँगा, बेगाना शहर है। और फिर तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों है, और वैसे नींद तो मुझे इतनी आ रही है, तो मुझे तो लग रहा है मैं सुबह 8-9 बजे से पहले नहीं उठूँगा, और जैसे उठूँगा सबसे पहले आपको जाएगा पीने के लिए चाय, क्योंकि चाय से अपने को बहुत ही ज़्यादा प्यार, तो हम अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकते। सुबह पहले जाएंगे चाय पीने के लिए, फ़िलहाल तो सोता हूँ, और तो नींद इतनी भरी हुई है आँखों में ना, क्या पता नहीं क्यों जाग रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, शाम को मुझे सो जाना चाहिए था। तो चलो अब सोते हैं, आपको मिलते हैं सुबह। तो गाइस गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब के चाहने वालों, अब हमारी नींद हो चुकी है अच्छे खासी पूरी, रात को मैं जल्दी सो गया था, और अब उठा हूँ 8 बज रहे, और फटाफट से चलते हैं चाय पीने। मैंने ब्रश कराया, अभी मुँह धोया, नहाया नहीं हूँ अभी, पहले चाय पी के आऊँगा फिर नहाऊँगा, क्योंकि चाय इज़ मस्ट बिकॉज चाय इज़ लव। तो चलते हैं चाय पी के आते हैं। और चाय वगैरह तो मैं पी के आ चुका हूँ,
वैसे यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, बिल्कुल इधर ये वो सिक्योरिटी चेकिंग वाला नहीं होता मेटल डिटेक्टर वाला, वो मैंने करा है डिकोड कल। कल अपन फ्री था ठीक है, शाम के टाइम को अपन ने यही डिकोड करा कि अगर इसमें से, मगर मैं स्लो जा रहा था तो टी टी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मेरे जेब में कीस थी, फ़ोन था, पता नहीं किसकी वजह से आता हूँ मुझे नहीं पता। अगर मैं दूर से आ रहा हूँ और एकदम फास्ट निकल जा रहा था बीच में से, तो इसको कुछ नहीं पता लगना था, तुम कुछ भी लेके आ जाओ पर लेके मत आना भाई, क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ों भी लेके आओगे। और कल रात को मैं उतना गुड नाइट करने के बाद नीचे की थोड़ा चलो घूम के आता हूँ ठीक है। तो पहले तो उतरते सारी यहाँ लोग लड़ रहे थे भाई, बहुत ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही थी। तो थोड़ा आगे गया तो एक शराबी मिल गया, आपको भी सारा सारे भैंस चलते थे बहुत गंदे, नीचे उतरा 15 मिनट के लिए, दो लड़ाइयाँ देख के वापस चल गया कि कहीं अगला नंबर मेरा ही ना हो। तो मैं सोचा कि बाइक को रिस्क लेना, तो फटाफट से पहले नहाते हैं जाके भाई, पर काफ़ी चिपचिपा सा लग रहा है, बहुत गर्मी है, नहा के तैयार होते हैं। राजे साहब तैयार तो हो चुके हैं, एक नंबर लग रहा हूँ मैं खुद को, अगर ये मिरर साफ होता और थोड़ा बड़ा तो मैं भी लड़कियों की तरह वीडियो बनाता, किला वेट साइड तो, पर नहीं क्योंकि वी आर नॉट अ छपरी टिकटॉकर। तो बस रेडी होते हैं और मैंने जाना है काम से, थोड़ा वहाँ जाके आते हैं फिर मिलते हैं हमसे। इतना गंद मच चुका है नेक्स्ट टाइम तो रूम में, तो मुझे तो लग रहा है मैं जब चेकआउट करके जाऊँगा एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे मेरे से, तो पर सब देखते हैं। और वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे अगर ये अपने रूम में शीशे वगैरह लगे हो तो मतलब खूबसूरती और बढ़ जाती है रूम की, तो मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे लगवाऊँ। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर पीछे कोई भूत खड़ा हो तो फिर वो दिख जाएगा, अगर शीशा नहीं है तो क्या दिखेगा, सामने आएगा तो मारूंगा भाई, इस टाइप मजाक का मूड नहीं है भाई, इस टाइम मारूंगा भूत को, अगर शीशे में दिख गया तो अपने को भागना पड़ेगा घर छोड़ के। तो ये आइडिया हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं शीशे लगाना। और बस आज निकलना भी है वापस शाम को, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और भाई फ़ोन चार्ज करते हैं। और एक्चुअली आज जैसे लोग कहते हैं बिंज वॉचिंग करी है, मुझे पता नहीं था ये क्या क्या मतलब है इसका, आज मुझे पहली बार पता लगा, तो आज मैंने एक नया वर्ड सीखा है, अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करते हैं, रेस्ट करते हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी पहली सीक्रेट ट्रिप इतनी सक्सेसफुल हो रही है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी यूट्यूब फैमिली से छुपा रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल ट्रिप थी तो इसकी वजह से। और एक तो 4K 60 FPS पर बनाने का ये नुकसान है कि लाइटिंग बहुत अच्छी सी होती है, और इतनी अच्छी लाइटिंग में हो तो ज़्यादा फेस ग्लो कर रहा होगा। तो अब चलते हैं बस में बैठते हैं और निकलते हैं, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स का भी दिल नहीं लग रहा होगा, तो उनके साथ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। फाइनली पहुंच तो चुका हूँ मैं वापस अपने गढ़ चंडीगढ़, और यहाँ पर तो हो रही है बारिश, और मैं जहाँ पर जाके आया हूँ वहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला उनका रोज़ का काट रहा है भाई, आज मॉनसून आएगा आज बारिश आएगी, पर आज तक नहीं आई भाई, एक महीने का तो मैं गवा हूँ, थैंक यू। तो चलो अपने यहाँ पर मस्त बारिश हो रही है और कैब भी आ चुकी है, और चलते हैं सीधा घर। हमारी जिंदगी तेरे बगैर अधूरी है, तो एंजॉय करने चले जाता है, हम इतना बोर होते हैं हमसे खाना नहीं खाया जाता। चलो अब हम आ गए 10-12 दिन। सो गाइस फाइनली घर तो मैं पहुंच चुका हूँ, और चाय वगैरह भी पी लिए मम्मी पापा के साथ बैठ के, उनका तो बैटरी का टाइम हो रहा है और मेरा भी बेड पे जाके सोने का टाइम हो रहा है। तो करता हूँ इस व्लॉग को ही एंड, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा हो तो। बाय बाय, लव यू।